हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? तो आज का वीडियो में मैं आपको एक मल्टीप्लिकेशन ट्रिक सिखाने वाला हूँ, ठीक है? इस मल्टीप्लिकेशन ट्रिक को सीखने के बाद आप दो डिजिट का मल्टीप्लिकेशन जो कि 11 से 19 तक किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन अगर देता है, जैसे 11 × 12, 13 × 17, 19 × 18, आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। देखना है, जानना है, तो चलिए सिखाता हूँ मैं आपको इस तरीके के मल्टीप्लिकेशंस को हम कैसे करते हैं। तो देखिए, अगर कोई भी मल्टीप्लिकेशन, दो डिजिट का मल्टीप्लिकेशन, अगर 11 से 19 के बीच में है, या फिर 11 या 19 है, ठीक है, तो हम इस तरीके से बहुत ही आसानी से और बहुत ही फास्टली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो चलिए मैं एक एग्जांपल लेकर के आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि हमें 12 × 13, 12 × 13 मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? तो करना क्या है कि हमें फर्स्ट डिजिट को, फर्स्ट नंबर को फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है? और जितना भी आए यहाँ पे लिख देना है, ठीक है? तो 2 × 3 कितना होगा? 6, तो 6 यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है? अब ये जो नंबर है उसको इसके साथ ऐड कर दीजिए, तो 12 और 3 कितना होता है? 15, तो ये हो गया आपका आंसर। 12 × 13 इज नथिंग बट 156। 12 × 13 कितना होता है? 156। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, 14 × 13। तो क्या करना है? 4 × 3 इसको पहले मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 4 × 3 = 12। तो जब भी दो डिजिट का नंबर आए तो आपको सिर्फ सिंगल डिजिट लिखना है और बाकी कैरी के रूप में रख लेना है, ठीक है? अब ये 14 है, तो 14 + 3 कितना होता है? 17, एंड 17 + 1 = 18, तो 182। 14 × 13 कितना होता है? 14 × 13 = 182। चलिए देखते हैं, 19 × 17, तो 9 × 7 = कितना होता है? 63, तो 3 लिख दीजिए, कैरी 6। और 19 + 7 कितना? 26, 26 + 6 कितना होता है? 32। ये हो गया आपका आंसर। आसान है ना, आप माइंड में भी कर सकते हैं, ठीक है? एक और, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, 18 × 13, तो क्या होगा? बताइए बताइए, पहले क्या करेंगे? 8 × 3 तो कितना हो जाएगा? 24, तो 4 लिखेंगे, कैरी 2। और 18 + 3 कितना होता है? 21 + 2, 23। आसान है ना? तो बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स सिखाने वाला हूँ मैं आपको। तो आपको करना क्या है कि जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है? ताकि मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से ऐसे ऐसे ट्रिक्स आपको सिखाता रहूं। तो चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। जय हिंद।